गाजियाबाद में 6 वर्ष की बच्ची घर से बाहर खेलते हुए गायब हो गई, जिसका थोड़ी देर बाद खून से लथपथ उसका शव मिला। परिजनों का आरोप है कि ईंटों से पीटकर उनकी बच्ची की हत्या कर दी गई। घटना की सूचना पर मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए अस्पताल में भेज दिया। वहीं मामले की जांच के लिए पुलिस ने कई टीमें गठित की है। वापसी में दम तोड़ दिया, अस्पताल में ले जाते जब। क्या हुआ था उसको? मुझे पता, कान पता, मुझे पता ही नहीं। यहाँ पर क्या बता रहे हैं उसको, क्या हुआ? यहाँ पर ईंटों से बजा रखा है उसके सिर में, यहाँ पर भी बात अच्छी है, चारों माँ इमारत के कहाँ तीन दिन बाद कभी भी यहाँ पर सिर में सारे मार दिए। ऐसा एक यानी 6 साल की बच्ची है और ये थोड़ी सी दूरी पर उनका मकान है और उसके पास में एक जो बिटोड़े बिटोड़े रखे हुए थे और उस लड़की को ले जाकर और किसी ने उसकी उसकी जो हत्या कर दी ईंटों से बजा बजा। देखिए, जैसा कि आप आज 11 बजे के आसपास में थाना मोदी नगर पुलिस को सूचना मिली कि एक इस तरह से बच्ची के का शव मिला है, उस पर पुलिस यहाँ पर मौके पर आई, उसने बॉडी को कब्जे में लिया है, पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया है, तहरीर प्राप्त कर मुकदमा पंजीकृत किया जा रहा है और टीमों का गठन कर जल्दी इस घटना का भी खुलासा।